10 रुपए की अरहर की दाल और दूध भी ले लो, एक दूध की थैली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हो सब? सब अच्छे ही होंगे। और भाई आज का व्लॉग जो है स्पेशल है। आज के व्लॉग में तुम्हें दिखाएगा अंकुर अपना हॉस्टल। भाई अपना जो हॉस्टल है ना एकदम मस्त है, और वैसे तो 2-4 रूम अभी भरे हुए हैं, बाकी सब खाली हैं क्योंकि अब स्टूडेंट्स सब अपने अपने घर चले गए। तो देखते हैं। दस रुपए की अरहर की दाल और दूध भी ले लो, एक दूध की थैली। भैया दस की बहुत रहेगी, बहुत है, दो ही जने हम, कोई नहीं। डब दे दो। तू कितने रुपए ले रहा? मेरे पे नहीं है, मेरे खाली है। एक दूध की थैली दे दो। हाँ जी, हम भैया अभी नीचे को आए हैं, कुछ लेने हैं, दाल वाल लेने आए हैं। तो नीचे सुमित मिल गो, लौंडा कटिंग करवा रहा हूँ। कौन सी कटिंग है भैया? है नहीं पता। मस्त लग रही है वैसे अभी पूरी तरह से भाई कटिंग ना हुई है, मस्त लगेगा लौंडा, हैंडसम गजब। तो गाइस हम आए हैं अभी दुकान पे सो, और वहाँ से लेकर आए हैं दाल, और हम बनाएंगे छोले चावल, और साथ में लेकर आए दूध भी, और देखते हैं बनाएंगे बढ़िया एकदम छोले चावल मस्त कर गए, ठीक है। और तुम्हें खाने हो तो भाई बता दियो कमेंट में, मस्त बनावे हमारा रूम पार्टनर। और ये जो लौंडा है, ये लौंडा भी बुलेंसर को हमारे साथ को, और टॉयलेट यो इधर टॉयलेट वगैरह हो गए, और यो गया हमारा रूम। भाई सब उल्टा सीधा पड़ा है। तो गाइज अभी मैं बर्तन साफ करता तो हमने देखी टंकी में पानी ना, और सारे बर्तन हमारे यहीं पड़े गंदे गंदे। अब बिजली आएगी जब हम उसके बाद बर्तन साफ करेंगे जब खाना बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बहुत भूख लग रही है, बट वेट करेंगे जब तक बिजली आएगी, नहीं तो वैसे आ जाएगी जल्दी, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जब भी हम बर्तन साफ करेंगे और जब भी हमें खाना बनाएंगे तब खाएंगे। तो यार कम से कम 2 घंटे के लिए बात गई, तब तक हमें भूखा रहना पड़ेगा, और हमें वैसे भी भूख लग रही है काफ़ी तेज, बहुत ज़्यादा। तो गाइस यार बिजली आ गई है, हम चलाने जा रहे हैं अभी समर छत पे, और जब पानी आएगा जब हम बर्तन साफ करेंगे फिर खाना बनाएंगे, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। गाइस यहाँ पे देखो लड़ाई होने लगी, पता नहीं क्या हो रहा है इधर। समर चल गया भाई, देखो मस्त वाला